पटना से राजधानी से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जो है पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में, जो ये मकान दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि नेहरू नगर के रोड नंबर 2 में ये सुजाता निवास है। और आपको दिखाएंगे कि सुजाता निवास में जो है 2 बुजुर्ग दंपति का बॉडी मिला है। हालांकि मौके पर पटना के सेंट्रल SP स्वीटी सहरावत और ASP जो है दिनेश पांडे पहुंचे और जांच में जुट गए। प्रथम दृष्टया मामला पटना के सेंट्रल SP ने बताया कि जो है यहां पर बॉडी मिला है, हमने गया जांच किया। जांच के दौरान जो है उनके दोनों पति और पत्नी दोनों के सर पे जो है वार किया गया है। जो घर में जो सामान रहते हैं, जो खाना बनाने वाले जो रहते हैं, उसी से जो है सर पे वार किया गया है और जिसकी मौत हो गई है। काफी ब्लड वहां पर गिरा हुआ है। हालांकि चोरी की बात कर लिया जाए तो घर में जैसे भी सामान थे उसी तरह से, मगर चोरी की कहीं बात नहीं है। आइए सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर। हालांकि हत्या है या जो है आत्महत्या है, ये तो जांच का विषय है, मगर आइए सुनते हैं पटना के सेंट्रल SP स्वीटी सरावत क्या कुछ कर रहे हैं। आज जो है लगभग 8:30 के करीब पाटलिपुत्र थाना को सूचना मिली कि नेहरू नगर में एक फ्लैट में एक दंपति का शव बरामद हुआ है। उसमें थाना अध्यक्ष एवं स्वयं मेरे द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आसपास के लोगों से भी जो है वो पूछताछ की गई, जिसमें आसपास के लोगों द्वारा जो है उनके नीचे जो रेंटर रहते हैं उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 12:30-1 बजे जो है दोनों में जो है वाद विवाद हो रहा था, उसकी आवाज़ें आ रही थी और काफ़ी जो है दोनों में पहले से भी जो है लड़ाई झगड़ा होते रहता था। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर जो है घर का जो सामान है वो सब इंटैक्ट पाया गया। सारी अलमीराज जो है वो बंद थी, कुछ अलमीराज जो है ऑलरेडी जो है लॉक्ड थी, तो उससे लग रहा है कि किसी के द्वारा जो है लूटपाट या ऐसी कोई घटना कारित नहीं की गई है। साथ ही जो है जो वाइफ है उनका शव जो है किचन से बरामद हुआ और उसी से सटे हुए बेडरूम से जो है पति का जो है शव बरामद हुआ है और उसमें जो है फुटप्रिंट्स जो है वो हम लोगों को मिले हैं जो केवल किचन से लेकर जहाँ पर पति का जो शव बरामद हुआ है बेडरूम तक ही है, जिससे जो ब्लड जितना किचन में है उससे ये स्पष्ट है कि यदि किसी और के द्वारा अगर ऐसी घटना कारित की जाती या कोई बाहरी व्यक्ति होता तो कहीं और भी जो है फुटप्रिंट्स मिलने के चांस थे। लेकिन सभी बिंदुओं पर जो है हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और आसपास के CCTV कैमरास में जो है वो चेक किए जा रहे हैं। FSL की टीम जो है बुलाई गई है घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए। फिंगरप्रिंट्स की टीम को भी बुलाया गया है ताकि सारे फिंगरप्रिंट्स भी कलेक्ट हो पाएँ। साथ ही किचन से कुछ सामान जो है बरामद हुआ है जिसपे खून के निशान हैं उनको भी जो है सीज़ करते हुए वहाँ से फिंगरप्रिंट्स जो है कलेक्ट किए जाएंगे और कैमरास वगैरह जो है आसपास के उसे भी चेक करते हुए जितने पॉसिबल बिंदु हैं उन पर अनुसंधान किया जाएगा।